आज हम मणिपाल हॉस्पिटल के पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम के तहत बोन मैरो एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। बोन मैरो एग्जामिनेशन, जैसा कि इसके नाम से ही अंदाज़ा लगता है, हड्डी के उस हिस्से का टेस्ट है जहां से खून बनता है। हिंदी में हम इसे मज्जा भी कहते हैं। कभी भी नस के से लिए हुए खून के सैंपल में यदि हमें यह शक होता है कि शायद इस बीमारी का उत्पन्न बोन मैरो से हुआ है, तो हम आमतौर पर यह जांच करते हैं। बहुत बार हम ये जांच तब भी करते हैं जब हमें ये लगता है कि शायद किसी और बीमारी के तहत बोन मैरो का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। इसे हम स्टेजिंग वर्कअप के तहत भी करते हैं जब हम ये जानना चाहते हैं कि बीमारी कहाँ कहाँ फैली हुई है। बोन मैरो का एग्जामिनेशन, ये टेस्ट आमतौर पर हम या तो कूल्हे की हड्डी से या छाती की हड्डी से करते हैं। बोन मैरो एग्जामिनेशन ज़्यादातर लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, स्पेशली अडल्ट्स में। बच्चों में हम हल्की बेहोशी के तहत यह एग्जामिनेशन करते हैं। इस एग्जामिनेशन में आमतौर पर कोई चीरफाड़ नहीं होती है, टांके वगैरह नहीं लगाए जाते हैं। यह एक निडल के द्वारा की गई जांच है। निडल के द्वारा जो जांच की जाती है, उसके बाद में जो पट्टी लगती है, वो भी मरीज अगले दिन अपने आप घर पर उतार सकता है। ये एक डे केयर प्रोसीजर है जिसमें मरीज को भर्ती रहने की ज़रूरत नहीं रहती। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही होगी, और मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बोन मैरो एग्जामिनेशन बहुत ही सुलभ तरीके से किया जा सकता है। धन्यवाद।